Honorable Finance Health Minister and Exhibition President, जनाब हरीश राव साहब जो बहुत डायनेमिक लीडर है, जहां पर भी जाते हैं ना बहुत डेवलपमेंट लाते हैं। मैं देखा हूं एग्जीबिशन के प्रेसिडेंट बनने के बाद एग्जीबिशन में बहुत से चेंजेस आए। मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज जनाब तारासानी सिन्हा यादव साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड एंड बिल्डिंग जनाब प्रशांत रेड्डी साहब, ऑनरेबल एमएलसी मोहम्मद सलीम साहब, ऑनरेबल एक्स एमएलसी ऑनरेबल हज कमेटी चेयरमैन श्री एलोरा श्रीनिवास गारू चेयरमैन ऑफ टीएस एमएसआईडीसी, श्री नरसिम्हारेड्डी साहब कॉन्ट्रेस्टेड एमपी नलगुंडा, जनाब साईनाथ दयाकर साहब एग्जीबिशन सेक्रेटरी, जनाब अश्विन मार्गम साहब वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन, जनाब वानम सुरेंद्र साहब जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब प्रताप चक्रवर्ती साहब ट्रेजरर, श्री चंद्रजीत सिंह साहब कन्वीनियर, श्री आनंद बोला साहब जॉइंट कन्वीनियर, अदर मेंबर्स ऑफ एग्जीबिशन सोसाइटीज, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరికీ మీడియా మిత్రులకు నా పేరుతో సలాము నమస్కారం. ఈ ఎగ్జిబిషన్ చాలా పాత బహుత్ పురాణి ఎగ్జిబిషన్ హే. నిజాం ఇస్టేట్ కే జమానే మే ఎగ్జిబిషన్ ఖాయం కీ గయి థీ. 82 ఇయర్ హో రహా ఎగ్జిబిషన్ షురూ హోకర్ ఇస్ సాల్ కా, ఔర్ యే బహుత్ జమానా పహలే బహుత్ పాపులర్ థీ ఔర్ ఆజ్ భీ పాపులర్ హే, क्योंकि हैदराबाद के लोग जब तक एग्जीबिशन नहीं पहुंचे नहीं देखे तो उन्हें दिल नहीं भरता था. तेलंगाना स्टेट में ये एग्जीबिशन बहुत पॉपुलर था, बहुत से तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग बाजाबता जनवरी में हैदराबाद जरूर आते थे एग्जीबिशन देखने के लिए. और खास बात ये एग्जीबिशन में एग्जीबिशन के जितने मेंबर्स है जो उस्मान यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स है, और उनका सबसे अहम मकसद है लोगों को तालीम देना. ये एग्जीबिशन सोसाइटी जो चलती है, जो भी इसकी आमदनी आती है वो आमदनी मैं समझता हूं हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा एग्जीबिशन नहीं है जहां की होने वाली आमदनी एजुकेशन पर खर्चा किया जाती है. और खास तौर से गर्ल्स के लिए आज इस एग्जीबिशन की आमदनी से 30,000 से ज्यादा गर्ल्स तालीम हासिल कर रहे हैं. और खासतौर से 18 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं. मैं तमाम मेंबरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि मेंबर्स हमेशा एग्जीबिशन को डेवलप करना चाहते हैं और एग्जीबिशन से होने वाली इनकम मुकम्मल पूरी तरीके से एजुकेशन पर खर्चा किया जाता है. यह बहुत फख्र की बात है. हमारे एग्जीबिशन के प्रेसिडेंट साहब यकीनन बड़े महान इंसान हो. आप जानते हैं 2001 से हरीश राव साहब जहां भी कदम रखते थे बड़ी कामयाबी मिलती थी, लोगों में बड़े पॉपुलर हैं. और यकीनन एग्जीबिशन सोसाइटी में जब उन्हें सदर मुंतखब किया गया तो सबसे ज्यादा मुबारकबाद वो लोग हैं जो एग्जीबिशन सोसाइटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि जहां पर सदर अच्छा होता है बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक काम होता है. ये एग्जीबिशन सोसाइटी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है. और मुझसे भी कुछ दिन पहले जब वो मुझसे कहे आने के लिए, मैं तो हर साल बराबर आता हूं, तो जब हरीश भाई साहब मुझसे कहे कि आने के लिए तो मैंने कहा कि साहब मैं तो बराबर हड़ताल की तरह इस साल भी आऊंगा जरूर आपके साथ. मुझे खुशी इस बात की है कि एग्जीबिशन की इनकम एजुकेशन पर खर्च होती है. लोग तो बहुत से दूसरे वेलफेयर पर काम करते हैं और सबसे जो अहम चीज होती है वो तालीम. तालीम पर खर्चा करने वाले हैं तो एग्जीबिशन सोसाइटी की मेंबर्स की जो सोसाइटी है वो सब मिलकर ये सारी रकम एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं. और ये एग्जीबिशन स्टार्टिंग में जब कायम हुई थी तो इसका था जो एग्जीबिशन जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन उस जमाने में, क्योंकि इतने वसायल नहीं थे
तो एग्जीबिशन में बड़े छोटे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, यहां पर आकर एग्जीबिशन में अपना मुजाहरा करते थे, लोग इंप्लॉयमेंट से जुड़ते थे उससे। आज भी काफी लोग आते हैं, पहले भी आया करते थे, तो काफी इससे लोगों को बड़े बड़े नए नए चीज मिलते थे, खासतौर से रोजमर्रा के इस्तेमाल के चीजें मिलते थे, और काफी लोग बड़ी शौक से एग्जीबिशन आते हैं। जब हम भी बचपन में थे तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती कि एग्जीबिशन का दौरा करें, एग्जीबिशन देखें। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे, टेरो जनवरी में एग्जीबिशन आ रहा है, आप लोगों को लेकर जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, ये एग्जीबिशन जो मुसलसिल काम करते आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं। और मैं खास तौर से इस एग्जीबिशन के प्रेजिडेंट साहब को, हरीश राव साहब को, जो हमारे डायनेमिक लीडर है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद यही करता हूँ, जो इंस्टीट्यूशन है, आज नियरली 18 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना के अदर डिस्ट्रिक्ट में भी, निजामाबाद करीमनगर पर भी हम एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, ताकि उससे लोगों को भी एक मौका मिले एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने का, कारोबार करने का, और उसकी इनकम में भी इजाफा हो सके। पिछले साल क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर भी है जो एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगाते हैं, थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत लॉस हुआ था। हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इस मरतबा उनके स्टॉल्स अच्छे चले, बिजनेस अच्छी तरीके से चले, ताकि उनको अच्छी सी आमदनी हो, क्योंकि कहीं बहुत से स्टेट के लोग यहाँ आकर अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। उन तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम सोसाइटी के मेम्बरान को, और तमाम हमारे चेयरमैन साहब और हमारे दोनों मिनिस्टर, बहुत हरदिल मिनिस्टर आज साथ में है, तो उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।